स्टूडेंट्स असल टुडेज टॉपिक इज एडिंग एन एडिशनल सेल टैक्स आइटम ना दैट वी हैव गॉन थ्रू अ कॉम्प्रीहेंसिव मेथड ऑफ इन वोकिंग सेल टैक्स विद इन क्विक बुक्स वाई डू वी नीड टू एड एन एडिशनल सेल टैक्स आइटम इन क्विक बुक्स आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि अभी तो हमने एक पूरा एक लेक्चर पढ़ा है कि हम सेल टैक्स किस तरीके से क्विक बुक्स में डिफॉल्ट की सूरत में ऐड करें उसको किस तरीके से एडिट करें और एज पर रिक्वायरमेंट सेट करें तो आप एडिशनल सेल टैक्स की क्या ज़रूरत पड़ गई प्लीज़ रिकॉल लेक्चर ऑन सेल टैक्स अगर आपको याद है तो हमने उस लेक्चर में यह कहा था कि हमारे पास एक से ज़्यादा एजेंसीज़ डिफरेंट लेवल्स पे सेल टैक्स कलेक्ट करने की मजाज हो सकती हैं एक एजेंसी फेडरल लेवल पे हो सकती है एक एजेंसी प्रोविंशियल लेवल पे हो सकती है और एक एजेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती है अगर हम इन तमाम सेल टैक्स की परसेंटेज और एजेंसीज एट द टाइम ऑफ स्टार्ट डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें आगे जाके मुश्किल होगी जब भी आप कोई चीज़ सेट करते हैं जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करने लगते हैं तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि आप अपना इन्वायरमेंट सेट सेट करते हैं आप अपने सारे टूल्स अपने पास रखते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमारा काम शुरू हो और हम उसके बाद भागना शुरू करें अपनी सारी चीज़ें जमा करने के लिए सो बिफोर यू स्टार्ट आप पता करें कि कितने टाइप ऑफ टैक्सेस हमने कलेक्ट करने कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं और उनके परसेंटेज क्या हैं एंड ऑफकोर्स यू मस्ट नो कि हमारे पास जो हम प्रोडक्ट की सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो कौन सी टैक्सेबल है और कौन सी नॉन टैक्सेबल है सो नाउ लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स एंड सी हाउ वी स्टार्ट अ न्यू एडिशनल सेल टैक्स जैसे कि आप जानते हैं कि सेल टैक्स या कोई भी नया आइटम हम जब भी ऐड करेंगे तो हमें सबसे पहले लिस्ट में जाना पड़ेगा आफ्टर दैट वी चूज़ आइटम लिस्ट और जैसे हमने आइटम लिस्ट चूज़ की हमारे पास जितने भी आज तक हमने सर्विसेज इन्वेंट्री नॉन इन्वेंट्री आइटम्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे सेल टैक्स एज स्टार्ट विथ एस वुड बी लिस्टेड एट एंड लेकिन हमें एक नया आइटम डालना गो टू द बॉटम क्लिक ऑन आइटम एंड चूज़ न्यू जैसे ही हमने ये किया आपके सामने वही स्क्रीन आ गई जिसमें हम अपना टाइप ऑफ आइटम चूज़ करते हैं इस वक्त हमारी जो टाइप है वो है एक सेल टैक्स आइटम जैसे हमने सेल टैक्स आइटम चूज़ किया अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका नाम दें डिस्क्रिप्शन दें और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल टैक्स हमारा प्रोविंस टू प्रोविंस चेंज हो सकता है और अगर ये ऑल ज़्यादा लोकल या डिस्ट्रिक लेवल पर आ जाए तो वो भी सिटी टू सिटी चेंज हो सकता है इन दिस केस दे हैव टू बी ऑफ द टाइप सेल टैक्स और सेल टैक्स क्या होगा सेल टैक्स लागू होगा अपने से ऊपर वाले आइटम पे। ये याद रखिएगा सेल टैक्स अगर हमारा मोस्ट कॉमन सेल टैक्स नहीं है तो वो लागू होगा अपने से एक ऊपर वाले आइटम पे। इसकी इफादियत क्या है ये हम आगे जाके देखते हैं लेकिन फॉर द मोमेंट यू शुड रिमेंबर कि हमने सेल टैक्स लगाने हैं जितने भी वो हमने रजिस्टर्ड करने इस केस में वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रजिस्टर अ सेल टैक्स फॉर अ प्रोविंस अदर दैन पंजाब दैट इज सिंध प्रोविंस एंड द नेम ऑफ सेल टैक्स इज सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स और हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी इसका हम रेट डिफाइन कर देते हैं एट फोर पॉइंट फाइव परसेंट जो एजेंसी ये कलेक्ट करेगी एक नई एजेंसी है आए हम उसे भी डिफाइन करते चलें और उसका एड्रेस भी दे दें हमने वो एजेंसी भी डिफाइन कर दी है जो ये सेल टैक्स कलेक्ट जिसके लिए हम कर रहे हैं ऑन हूज बिहाफ और इसको हमने सेव किया है न्यू वेंडर्स लिस्ट में याद रहे कि जितने भी हमारे टेबल की एंटिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम वेंडर लिस्ट में आती हैं इसलिए ये एजेंसी भी वेंडर लिस्ट में ही रजिस्टर हो जाएगी अब हमने डिफाइन कर दिया है कि दिस इज सेल टैक्स आइटम नेम ऑफ दिस सेल टैक्स तो रेट इज 4.5 पॉइंट फाइव एंड द एजेंसी विच इज बेसिकली द कलेक्टिंग एजेंसी इज द सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी अब हमारे पास सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स मौजूद है और दूसरे जो सेल टैक्स बने हुए थे वो भी मौजूद हैं आइए देखते हैं कि ये हम इन्वोक कैसे कर सकते हैं दिस टैक्स इज गोइंग टू बी इन एडिशन टू द टैक्स विच वी आर गोइंग टू डिटेक्ट ओवर द और द मोस्ट कॉमन सेल टैक्स टैक्सेस हमारे इन वॉइस पे इनवोक होते हैं इस पर हम एक काम करते हैं कि हम दो तीन आइटम्स चूज कर लेते हैं डोर हैंडल्स क्वान्टी वन वुडन डोर क्वानी वन इसका रेट भी हम दे देते हैं जैसे ही हमने दो आइटम दिए जो कि दोनों टैक्सेबल हैं हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्रोविंशियल सेल टैक्स उनके ऊपर कैलकुलेट कर दिया ये प्रोविंशियल सेल टैक्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा प्रोविंस पंजाब कलेक्ट कर रहा है वी से फॉर एग्जाम्पल दैट दिस टैक्स इज़ नाव कलेक्टेबल इन सिंध तो हम कहते हैं कि आप इसके ऊपर प्रोवेंशल टैक्स लागू कर दें जब हम लागू करेंगे 4.5 पॉइंट परसेंट तो ये होगा हमारी ऊपर वाली फिगर पे। लेकिन क्योंकि हम ये दोनों काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने एक ही प्रोवेंस में और दोनों आइटम पे लगना चाहिए तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ये काम करें कि ये जो ऊपर दोनों आइटम्स हैं टैक्स उन दोनों पे लागू हो अब आप सोचेंगे क्या तरीक़ेक होगा अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप याद रखें कि सेल टैक्स लागू होता है ऑन द आइटम अबव इट इस वक्त आइटम अबव इट इज़ वुड इन डोर और उसके ऊपर उसने टैक्स कैलकुलेट भी कर दिया लेकिन वी नीड टू कैलकुलेट द सेल टैक्स ऑन ऑल आइटम्स अबब इट नाउ हाउ टू गो अबाउट इट अब जरा सोचें कि हमारे पास ऊपर चार या पाँच या छः आइटम है हम सब के ऊपर एक ही टैक्स लगाना चाहते हैं एक तरीका तो ये है कि हर आइटम के बाद हम टैक्स लगाएं काम तो हो जाएगा लेकिन एक खाम खाम में आप अपनी लिस्ट बढ़ा रहे हैं उसका आसान तरीक़ा ये है कि आप इसके ऊपर एक सब टोटल लगाएं और सब टोटल के आगे सेल टैक्स लगाएं अगर आपको याद हो जब हमने ये टैक्स पहले कैलकुलेट किया था तो ये था तीन हजार छः सौ रुपये लेकिन अब ये टैक्स इस लाइन के ऊपर वाला आइटम पे लगा है वो है एक सब टोटल और सब टोटल इन दोनों आइटम्स का है क्योंकि ये सब टोटल दोनों आइटम्स का है तो टैक्स भी इन दोनों आइटम्स पर लगेगा और इसकी वैल्यू ये है अब आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो प्रोविंशियल सेल टैक्स है इसकी वैल्यू ये है और ये है सिंध का सेल टैक्स In this case, we are not going to collect sale tax of Punjab. What we are going to do is collect the federal sale tax. Now, this sale tax is in addition to our provincial sale tax because this sale was made in the province of Sindh. So, ham jo tax collect rahe sale tax, wo Sindh province ka hai. Aur is pure ki lump sum tax lag hai, wo hai federal sale tax. फेडरल सेल टैक्स का आपको रेट पता है, है तो दैट इज फोर हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फिफ्टी इसका आइटम्स जो हमने बेची है उनका टोटल एट्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन यहाँ जो टोटल नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आपको 85,575 फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव द रीजन बींग रेस्ट इज बेसिकली एडिशन ऑफ थ्री सिक्स सिक्स सेवन प्लस फोर जीरो सेवन ये दो फिगर्स इसने ऐड की हैं और इन दोनों को टोटल में शामिल कर लिया है यानी कि साढ़े चार परसेंट टैक्स सिंध का और पाँच परसेंट टैक्स फेडरल का इन दोनों को जमा करके ये हमें टोटल में दिखा रहा है और अब यही हमारा इन वॉइस है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर कलेक्टिंग मोर देन वन टैक्स अब आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से एक एडिशनल टैक्स हमने डिफाइन किया और उसको अब हम कलेक्ट भी कर रहे हैं एजेंसी भी बता रहे हैं एक टैक्स हमारा सुबाई है एक टैक्स हमारा सेंट्रल या फेडरल टैक्स है सुबाई टैक्स हमने तमाम आइटम्स पे किस तरह से इन्वोक किया हमने एक सब टोटल ऐड किया उसने अपने से ऊपर तमाम आइटम्स का टोटल कर दिया सब टोटल कर दिया और हमने उसके साथ ही उसके ऊपर टैक्स लागू कर दिया अब इस सब टोटल से आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि अगर हम अपनी इन्वॉइस बनाते वक्त टैक्सेबल आइटम और नॉन टैक्सेबल आइटम का अलग-अलग सब टोटल कर लें तो हमें ये टैक्स कलेक्ट करने में और आसानी हो जाएगी अब मिसाल के तौर पे हम एक नॉन टैक्सेबल आइटम भी इसमें इजाफा कर देते हैं और वो है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन की लेबर आपने देख ली कि ये हमने इसमें डाल दी है और ये है थर्टी फाइव स्क्वायर फिट और उसका रेट भी हमारे सामने आ गया है तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा एक नई फिगर आ गई लेकिन याद रहे कि ऊपर वाली तमाम आइटम्स टैक्सेबल थी इंस्टॉलेशन की आइटम नॉन टैक्सेबल है तो हमारे रेट में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई लेकिन हमारा फेडरल टैक्स क्योंकि तमाम आइटम्स में लगेगा इसलिए उसका रेट जो है वो उस टैक्सेबल आइटम के टोटल के ऊपर ही कैलकुलेट हुआ हुआ है दिस प्लस दिस द टैक्स दैट वी आर डिडक्टिंग फॉर द सिंध प्रोविंस एंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर सेलिंग प्लस द सर्विस दैट वी आर ऑफरिंग ऑफ इंस्टॉलेशन इन तमाम का टोटल 86,800 बन गया है आउट ऑफ विच 3667.50 सिक्स सेवन एंड फोर आर द टू टैक्सेस दैट वी है फॉर द प्रोव सिंध एंड द सेकेंड फॉर द फेडरल गवर्नमेंट अब आपने ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इनवॉइस देख ली किस तरीके से बनाई जा सकती है किस तरीके से सब टोटल का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका फायदा उठाते हुए हम किस तरीके से सेल टैक्स उसके ऊपर इन्वोक कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं और पूरी इन्वॉइस में हमारे पास जो इफेक्ट नजर आ रहा है वो कहाँ कहाँ और किस किस चीज का है इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं और हम इसको कंक्लूड करते हैं इन कंक्लूजन नाउ वी नो दैट देर आर मोर देन वन टाइप ऑफ टैक्सेस दैट वी हैव टू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट एजेंसीज ये टैक्स फेडरल हो सकते हैं प्रोविंशल हो सकते हैं और हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं याद रहे कि इन टैक्सेस के रेट्स एजेंसीज और जब भी हमें इनको रिमिट करना है उसका पीरियड फर्क हो सकता है ये तमाम हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है और जब हम इनको यूज़ करना चाहेंगे तो हमने आज आपको यूज़ करने का तरीका भी दिखा दिया कि एक टैक्स कॉमन होगा कि वो तमाम आइटम्स पे लग जाएगा जो टैक्सेबल हैं और अगर आपने इन इनको ब्रेक करके मुख्तलिफ़ सेट्स बनाने हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ टैक्स और उसके रेट्स लगवाने हैं तो वो भी मुमकिन हो गया है वो कैसे एक टाइप ऑफ टैक्स रेट वाली चीज़ें आप एक जगह जमा करें उनका सब टोटल करें और उस सब टोटल के ऊपर आप टैक्स लगा दें और इसी तरह से आप जितने भी टाइप ऑफ टैक्सेस इन्वो करना चाह रहे हैं वो अपनी इन्वॉइस में आप दिखा सकते हैं अगर हमारे पास दो इस तरह के आइटम्स हैं या दो से ज़्यादा इस तरह के आइटम्स हैं जिनका टैक्स रेट ही फर्क है तो हम पहले एक आइटम वो लेंगे जिसका टैक्स रेट हमें पता है उसका टैक्स लगाएंगे दूसरा आइटम डालेंगे और फिर उसका टैक्स लगाएंगे और फाइनली जो हमारा कॉमन टैक्स है वो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवा देंगे तो ये सारे तरीके आपको क्लियर होने चाहिए कि हम एडिशनल टैक्स कहाँ कहाँ डाल सकते हैं सब टोटल का फ़ायदा कब उठाया जाएगा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल आइटम कौन कौन से होंगे आपको चाहिए कि आप बार बार जाके इसकी प्रैक्टिस करें समझने की कोशिश करें क्योंकि ये इसका बहुत क्रिटिकल और क्रूशल फेज़ है और यही काम आपसे बार बार लिया जाएगा क्योंकि ये एक दफ़ा सही सेटअप हो गया अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई तो आपको वेंडर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए अपनी तमाम इन बुकिंग में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी लेकिन यू हैव टू बी क्लियर एंड दिस नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस